हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 11 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। और गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं $1 वर्सेस 1 मिलियन डॉलर फाइटिंग गेम्स। आज हम ट्राई करने वाले कुछ खतरनाक गेम्स $1 से 1 मिलियन डॉलर्स तक। तो सबसे पहले हम खेलने जा रहे हैं $1 का गेम जिसका नाम है राउडी रेसलिंग। चलो देखते हैं ये गेम कैसा होने वाला है। और यहाँ पर एक गेम स्टार्ट हो चुका है, लेट्स गो अटैक करते हैं। सबसे पहले लगता है मुझे ट्यूटोरियल सिखाने वाले गेम कैसे खेलते हैं। अरे मुझे सीखना नहीं है, मुझे सीधा लड़ाई करनी है। चलो गाइस अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर दो जने आ चुके हैं हमसे लड़ाई करने। अरे 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 तो बहुत ही तेज मार रहे, मेरे तो चक्कर आ गए। एक सेकंड, यहाँ पर चारों आपस में लड़ने लग चुके, हमें इनको रिंग से बाहर निकालना है। और मुझे खुद नहीं निकलना, मुझे इनको बाहर निकालना है। अरे खड़ा हो जाओ फटाफट से, ये लो इनको मार मार के मैं निकालूंगा यहाँ से बाहर। अरे तू बाहर निकल, चल बाहर निकल, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, मुझे बाहर नहीं जाना। आराम से मेरी हालत तो खराब हो चुकी है, आप देख सकते हो, मैं तो नीचे गिर गया हूं, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा। और ये उठ गया, निकल यहां से। इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकालेंगे। इतने सारे लोग आते जा रहे हैं पर मुझे बाहर नहीं जाना, हमें लास्ट तक टिकना पड़ेगा, जितना ज्यादा टिकेंगे। अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे तो पूरे चक्कर आ रखे हैं। मैं तो आप देख सकते हो लेफ्ट में यहाँ पर गिर चुका हूँ। ये गेम काफी बढ़िया सा लग रहा है। अब यहाँ पर अपन कूद के इनको किक मारते हैं। ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे छोड़ मुझे बाहर मत फेंकना। अरे यार मुझे ही बाहर फेंक दिया। तो गाइस हमारा स्कोर है यहाँ पर 10। ये गेम बढ़िया है, एक और बार खेलेंगे। तो गाइस इस गेम में हमें करियर मोड भी मिलता है, तो हम यहाँ पर करियर मोड भी खेल सकते हैं, इसके साथ खेलते हैं। तो हमारी सबसे पहली फाइट है ब्लेज वर्सेस जो एवरेज के साथ। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मारो, इसने पहले मार दिया, ये ले। इसको फिर से मारूंगा, ये ले। मैं ये काला वाला हूँ और वो गोरे वाले से हमारी लड़ाई हो रही है। अरे अरे ये तो मुझे मारता जा रहा है। अरे इसने तो मेरे पूरे चक्कर ला दिए मुझे। ये बच गया, मुझे लगा था मुझे मार देगा, फिर से मैं यहाँ पर बच चुका हूँ। ये ले, फिर से कूदेंगे, ये ले, निकल यहाँ से। और गाइस मैंने इसको रिंग से बाहर फेंक दिया और पहला राउंड में जीत चुका हूँ। शायद 3 राउंड यहाँ पर होने वाले हैं और ये वापस से जाएगा के बाहर। ये ले, हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और इसको उठा के फिर से मैंने बाहर फेंक दिया। 2 राउंड में जीत चुका हूँ और ये आखिरी राउंड होने वाला है मेरे ख्याल से। तुम और ये ले, फिर से बच गया मैं। ये ले, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये बूम। और गाइस इसको हमें चक्कर खिलाने पड़ेंगे, इसको स्टार्स लाने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मुझे फेंक देगा। रुक जाओ, जल्दी खड़ा हो जा। नहीं, और खड़ा हो गया, बहुत ही सही टाइमिंग पे खड़ा हो गया, फिर से गिर गया। यार मुझे वापस से चक्कर आ चुके, मुझे बाहर नहीं जाना। अरे ये तो मुझे एक एक किक में सुला दे रहा है। रुक जाओ, वापस से एक बार खड़ा होने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारना मत, अब मैं इसको मारूंगा। इसने मुझे फिर से चक्कर ला दिए, मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। ये मुझे जैसे एक भी पंच या किक मारता है मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं इसको करूंगा बेहोश और इसको फिर से फेंक दिया। 3 राउंड में यहाँ पर जीत चुका हूँ और ये गेम भी। और अगली फाइट हमारी होने वाली है बॉन्क द क्लाउन से। लेट्स गो, फटाफट से इस क्लाउन से भी अटैक करते हैं। और ये क्या करने वाला है, ये मैंने सोचा क्यों नहीं, ये मैं से कूद सकता है। रुक जा, मैं भी मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर से मुझे तारे दिखा दिए, इसे तो पहले राउंड में मुझे तारे दिखा दिए। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसको मारना, पर फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। और ये पहला राउंड में फिर से जीत चुका हूं और इसको फिर से मारेंगे। दूसरा राउंड यहां पर स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। खेले, इसको तारे दिखाएंगे और बार उठा के फेंक देंगे। और ये 2 राउंड में यहां पर जीत चुका हूं। तो गाइस इस गेम को खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको ये गेम खेलना है तो आप भी खेल सकते हो राउडी रेसलिंग। और इसने तो मेरे ऊपर बल्ला उठा के फेंक दिया और मुझे भी बाहर फेंक दिया। 2 राउंड में जीत चुका हूं और 1 राउंड ये जीता है, तो मुझे ये वाला राउंड कैसे भी करके जीतना पड़ेगा, वरना हमारे बीच में टाई हो सकता है। और इसको चांद तारे मैंने दिखा दिए हैं और इसने मुझे डंडा मार दिया। यार ये चीटिंग है, डंडा वंडा दे देते बीच में। ये ले, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। और ये वापस से चांद तारे याद दिला दिए और इसको बाहर फेंक देते। अरे मेरे में पावर ही नहीं बची कहती, अबे निकल यहां से बाहर। ये फिर से खड़ा हो गया, बाहर जा और ये बाहर गिर गया। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं दूसरा मैच भी अपना जीत चुका हूं उस क्लाउन के सामने। चलो ठीक है, ये गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। अगर आपको ये गेम खेलना है तो फटाफट से खेल लेना। और अब हम जाने वाले $100 वाले गेम की तरफ। $1 वाला तो बढ़िया था, देखते हैं $100 वाला गेम कैसा होने वाला है। A few moments later.
तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने $100 वाले गेम में जिसका नाम है WWE मैयम। और गाइस यार इस गेम में हम खेलने वाले हैं खतरनाक सा WWE और अभी मैं हूँ जॉन सीना और हमारी लड़ाई हो रही है केविन ओवन से। तो हमें इसको मारना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा कि हम कितने खतरनाक है। ये ले केविन ओवन्स के बच्चे, इसको हम खतरनाक सा मूव भी देंगे, ये उठा के एक। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो जॉन सीना हो चुका है बहुत ही ज्यादा कुछ, बहुत ही खतरनाक मूव हमने इसको दे दिया है। और गाइस यार इसकी तो पूरी की पूरी हालत ही हमने खराब कर दी। मुझे लगता है ये WWE का सबसे बेस्ट गेम है मोबाइल के लिए, तो अगर आपको खेलना है तो आप भी खेल सकते हो प्ले स्टोर से WWE मैयम। और गाइस यार 1 2 3 का ट्राई करते हैं, 1 2 और ये 3 बजे 3। और गाइस यार केविन ओवन्स को हमने यहाँ पर हरा दिया है। ये तो हमारी सबसे पहली फाइट थी इसलिए थोड़ी इजी थी, पर इसमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। इसमें हमारे पास द रॉक है, ट्रिपल एच है और भी बहुत सारे खतरनाक सुपरस्टार्स हैं। और ये क्या, मेरी फाइट अभी होने वाली है एलेक्सा ब्लिस से। चलो फटाफट से इससे फाइट करते हैं, निकी बेला वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। तो गाइस यार मैं हूं निकी बेला और सामने एलेक्सा ब्लिस है जिससे हमारी फाइट होने वाली है। लेट्स गो, 3 2 1 स्टार्ट। और ये तो सबसे पहले इसने मुझे मार दिया, तेरी ऐसी की तैसी। इसको तो मैंने बहुत ही खतरनाक मारा, ये ले इसको मैं मुक्के मुक्के मारने वाला हूं, इसकी हालत तो हम बिल्कुल खराब कर देंगे, ये ले। और गाइस अभी हमने यहां पर रिवर्सल करके इसकी हालत यहां पर खराब कर दी है। इसको 2-3 चाटे मारते हैं और इसको एक खतरनाक सा रनिंग हरिकेन भी मारेंगे, ये भागेंगे यहां से और ये ले। और गाइस इसकी हालत तो हमने बिल्कुल खराब कर दी है, ये ले मोटी, ये ले, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। आजा आजा स्पाइन बस्टर देंगे इसको, स्पाइन बस्टर यहां से फेंकेंगे और बूम। अरे कैसर इसकी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है, रुक जाओ अभी मुझे पिन नहीं करना यार, अब इसको हम पूरा खत्म करेंगे फिर पिन करेंगे। ये ले फिर से अब इसको वापस से रनिंग हरिकेन देने का टाइम आ चुका है। पीछे फुल स्पीड में भागेंगे और इसके मुंह पे गिर के ये ले, इसकी हालत तो हमने फिर वापस से खराब कर दी है। और 1 2 3 यहां पर हो चुका है ऑटोमेटिकली क्योंकि वो नॉकआउट हमने उसको कर दिया था। तो गाइस यार ये WWE का गेम तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक और फाइट करते हैं फिर अपन चलेंगे अपने सबसे स्पेशल $1 million वाले गेम पे, वो आज का सबसे महंगा गेम होने वाला है और मुझे पता चला है वो दुनिया का सबसे बढ़िया फाइटिंग गेम भी है। तो फटाफट से इसकी अगली फाइट करते हैं फिर अपन चलेंगे। तो गाइस यार हमारी फाइट होने वाली है जॉन सीना वर्सेस बिग ई से। ये बहुत ही ज्यादा मोटा और काला है और खतरनाक भी है, तो हमें इससे लड़के इसको भी हराना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि जॉन सीना सबसे खतरनाक है। जॉन सीना मेरी चट्टी में पसीना, मेरा भाई कैटरीना, नहीं क्या बोला, उल्टा बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इसको मारते, तेरी ऐसी की तैसी बिगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पावर बॉम, इन सब की हालत तो मैंने खराब कर रखी है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अबे मुझे चाटा मार रहा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे अरे रिवर्सल करना पड़ेगा, ये ले बच गया। अरे नहीं बच पाया, इसने तो मेरी हालत खराब कर दी, पर जॉन सीना इससे भी खतरनाक है। डाइविंग लेग ड्रॉप देके मैंने इसकी हालत यहां पर खराब कर दी है। अब 2-3 चाटे इसको मारेंगे, इसको हम बहुत ही बुरा मारने वाले। बिगी के बच्चे तू तो बिल्कुल नहीं बचने वाला, ये ले इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे एक खतरनाक सा मूव देना पड़ेगा, रनिंग बुलडॉग, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वहां से आएंगे और इसका सीधा हमने माथा फोड़ दिया है। 3-2-1 करने का ट्राई करते हैं, नहीं रुक जाओ मुझे इसको नॉकआउट करना है ताकि ये फिर कभी उठ ही नहीं पाए। तो फटाफट से इसको वापस से मारना शुरू करते हैं, ये ले बिगी के बच्चे। इस टाइम उसको देने वाले बोस्टन क्रैब, इसको उठा के हम इसको पूरा इसकी हालत हम खराब करने वाले हैं। और गाइस यार इसने यहां पर सबमिट करने और जॉन सीना फिर से जीत चुका है। और ये देखो मैंने ये रीप्ले में इसको सबमिट करवाया था और क्या ही बुरी इसकी हमने हालत करी है। तो इसी के साथ जॉन सीना जीत चुका है ये WWE मैयम का एक और मैच, सारे के सारे मैच में जीत गया। तो गाइस यार अब बारी आ चुकी है अपने आखिरी गेम की जो कि आज का सबसे महंगा गेम होने वाला है। तो चलो फटाफट से उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा गेम होने वाला है वो। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने फाइनल गेम पे जिसका नाम है UFC 5। और गाइस यार ये गेम है बहुत ही ज्यादा महंगा, पूरे के पूरे 5,000 रुपए का ये गेम है जो कि अभी हम खेलने वाले हैं। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं $1 वाला अच्छा था, 100 वाला अच्छा था या फिर ये 5,000 रुपए का गेम अच्छा हो। मतलब ये आज का सबसे महंगा गेम होने वाला है। हमने सबसे पहले वो
रोड रेसलिंग वाला खेला, उसके बाद WWE खेला, अब खेला UFC। देखते हैं क्या 5,000 रुपए में हमें मिलने वाली है खुशी। तो फटाफट से हम जाएंगे अपने फाइट कॉन्ट्रैक्ट में। और कैसे ये गेम सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर हमारा बहुत सारी फाइट आ रखी है, आप देख सकते हो। तो कैसर अभी मैंने यहाँ पे अपना फाइटर सेलेक्ट कर लिया, शॉन ओमाली। यहाँ पर इसको फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं और सामने अपना अपोनेंट भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये 4.5 स्टार फाइटर है। अभी हम दोनों अपोनेंट और खुद का फाइटर भी सेलेक्ट कर लिया है। देखते हैं क्या होने वाला है। हमारे पास ये गोल्डन ग्लव्स और गाइज़र और मेरे पिंक बाल भी है। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। और हम आ चुके हैं UFC की रिंग के अंदर, इसको ऑक्टागन बोलते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ये रहा मेरा अपोनेंट जो कि खुश हो रहा है कि वो जीत जाएगा, पर उसको पता नहीं हम कितने खतरनाक है। और गाइज़र अभी आप देख सकते हो हम लोग रिंग में आ चुके हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं हूँ पिंक बाल वाला। सबसे पहले हाथ मिलाएंगे क्योंकि हाथ मिलाना जरूरी होता है। तो गाइज़र फटाफट से लड़ना शुरू करते हैं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ये गेम सही में बहुत ही ज्यादा रियल है, 5,000 रुपए का रियल तो होना ही था। आराम से हमें ब्लॉक करते करते खेलना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड भी गेम है तो हमें बिल्कुल ढंग से खेलना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे अपोनेंट के सर के ऊपर देखो एक है ना, उसके बालों में दिल बना हुआ है, उसे टैटू करवा रखा है, फिर बाल ऐसे कटवा रखे। इसको फटाफट से मारते, क्या ही खतरनाक किक मारी। यहाँ पर डांस भी करके दिखाएंगे, आजा मार के दिखा। अरे मार दिया इसने तो। फटाफट से इसको खतरनाक पंचेस मारते हैं और इसको कमजोर करते हैं ताकि हम एक बड़ा पंच इसको मार पाए। ये बूम बूम। अरे कैसर हम तो इसकी हालत बहुत ही खराब करने वाले। ये ले। तो कैसर फटाफट से ट्राई करते हैं इसको नॉकआउट करने का। पहले ही राउंड के अंदर क्या हम कर सकते हैं अभी पता चलने वाला है। फुल स्पीड में पंचेस तो मैं मारते जा रहा हूँ पर इसको ज्यादा लग नहीं रहे। इसको बहुत ही बढ़िया केक हमने यहाँ पर मार दिए। तो कैसर आप देख सकते हो इनका हेड लेवल, बॉडी लेवल, ब्लॉक लेवल सबका सब आ रहा है। अगर हमने इनको कमजोर कर दिया तो इनकी हालत बहुत ही कमजोर होने वाली है। तो अभी देख सकते हो मैंने हेड बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया और मैंने यहाँ पर किक मिस कर दिए। इसको फटाफट से मारते हैं फुल स्पीड में। आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, ये इसको मारेंगे नी। और यहाँ पर एक और पंच। इसका तो मैंने पूरा का पूरा मुंह सुजा दिया है ऑलरेडी। और इसकी आंख पे हमें एक कट भी मार दिया यहाँ पर। तो कैसे हमें इसके मुंह पे मारते रहना चाहिए, इसका खून भी यहाँ पर आ चुका है। इसको फटाफट से मारते, तेज किक नहीं मार पाया। इसको थोड़ा लात मारेंगे, ये भी नहीं मार पाया। तो कैसे इसकी धीरे धीरे हालत खराब होती जा रही है, पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कहीं हालत ना खराब हो जाए। फटाफट से एक दो पंच मारते, ये ले। इसका ब्लॉक तोड़ने का हम ट्राई करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। राउंड वन में हम इसको नॉकआउट करना है, मुश्किल है पर हम करके रहेंगे। तो गाइज़र इसकी हालत तो यहाँ पर खराब हो चुकी है, इसकी बॉडी पर खून आने लग चुका है, इसका पूरा मुंह सुजा दिया हमने। और इसको अभी भी हम फुल स्पीड में मारते जा रहे हैं और ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहा। और गाइज़र ये नीचे यहाँ पर गिर चुका है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसकी हेड तो बहुत ही ज्यादा, हमने बहुत ज्यादा मारा है इसको हेड पे, तो हमें हेड पर एम करते रहना चाहिए और इसकी हालत हम खराब करने वाले हैं। ये ले। तो गाइज़र इसकी हालत तो सही में बहुत ही ज्यादा खराब यहाँ पर हो चुकी है। इसकी नाक में से तो बहुत ही तेज खून आ रहा है। अब बहुत ही कम टाइम रह गया इसके नॉकआउट के लिए और कैसे 20 सेकंड्स यहाँ पर बचे और ये वापस से नीचे गिर चुका है। आजा 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 नॉकआउट करने का ट्राई करते हैं। 20 सेकंड बचे बस, 8, 7, 6। अरे नहीं यार, नॉकआउट तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बूम, नहीं यार, हमारा पहला राउंड यहाँ पर फिनिश हो चुका है। उसकी हालत आप देखना कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर आ चुके हैं उसको बचाने के लिए, पर उसको कोई नहीं बचा सकता मुझसे। उसके सर और नाक दोनों फट चुकी है। चलो फटाफट से अगला राउंड शुरू करते हैं। ये देखो क्या ही खतरनाक पंच मारे मैंने इसको। तो गाइस अपना अगला राउंड यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, लेट्स गो। फटाफट से इस राउंड को भी शुरू करेंगे और इस बार तो हम नॉकआउट पक्का लेकर रहेंगे। ये ले, इसको बहुत ही बुरा मैं मारने वाला हूँ। फिर से इसके फेस ही फेस पे मारेंगे, इसका फेस बहुत कमजोर कर दिया हमने। थोड़ा डांस भी करके दिखाते हैं, आजा मार के दिखा। और गाइस इसकी हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे नहीं लगता ये गलती से भी यहाँ पर जीत पाएगा। इसको फटाफट से पंच मारते, ये ले, और ये फिर से गिर गया। अब तो ये बार बार ही गिर जा रहा है। और गाइज़र फिर से गिर गया, थोड़ा डांस करेंगे, आजा उठ के दिखा। और ये बूम, और गाइज़र इसी के साथ नॉकआउट हमने यहाँ पर कर दिया है और हम UFC का अपना सबसे पहला गेम यहाँ पर जीत चुके। फटाफट से स्किप करते देखते मैंने इसको कैसे मारा। ये देखो ये यहाँ पर आ रहा था, मैंने दी खतरनाक सी किक और ये सो गया। उसके मुंह में से कैसे खून निकला है और बूम। और गाइज़र इसी के साथ मैं ये जीत चुका हूं और ये बेल्ट मेरी हुई। तो हमने अपनी सबसे पहली फाइट यहाँ पर जीत ली है। तो गाइज़र अगली फाइट हम करने वाले जेनिफर मैया वर्सेस विवेन अरोजा, मतलब लड़कियों वाली फाइट करने वाले हैं।
WWE में एक लड़कों की करी थी, एक लड़की करी थी, तो इसमें भी एक लड़कों की एक लड़की की और स्टार्ट हो चुके। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फाइटर्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैं हूँ राइट वाला विवियन अरुजा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते, देखते हैं इस फाइट में क्या होने वाला है, क्या हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे, अभी बस पता चलने वाला है। लेट्स गो, फटाफट से हाथ मिलाएंगे। मैं इस बार राइट वाला हूँ तो याद रखना, फटाफट से मारते बूम 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 बूम। इसको तो बहुत ही खतरनाक पंच मैंने यहाँ पर मार दिए, थोड़ा सा डांस करना तो बनता है। मेरी बॉडी तो देखो कितनी खतरनाक है। ये बूम, अरे बच गया यार। तो गाइस हमें ये वाली फाइट में कैसे भी करके जीतनी पड़ेगी, और इस बार मैं ट्राई करूंगा राउंड वन में मारने का। इस बार तो पक्का मैं मार दूंगा क्योंकि मैंने सीख भी लिया है गेम कैसे सीखना है। और ये बूम, ये बूम, ये बूम, इसको तो मैं बहुत ही बुरा मारता जा रहा हूँ। ये ले, क्या ही खतरनाक सी किक मैंने यहाँ पर मार दिया, एक और किक। ये तो मुझे रोक ही नहीं सकती, मैं इसको बहुत ही बुरा मारने वाला हूँ और इसको उठा के अपन यहाँ से पटकने वाले। ये ले, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी फटाफट से अपन खड़े हो जाते हैं, इसको एक दो पंच मारेंगे और फिर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। इसको फिर से मारते पंच, और इस बार इसने मुझे मार दिया तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, ये खा पंच, ये खा पंच। और गाइस इसकी हालत तो यहाँ पर फिर से खराब हो चुकी है। मुझे लगता है आराम से हम राउंड वन में पहला अपना नॉकआउट ले ही लेंगे। पिछली बार राउंड टू में किया था, पर इस बार राउंड वन में ही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे इसने मुझे ही पकड़ लिया। रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, मुझे वापस से खड़ा होना पड़ेगा। और गाइस अब ये यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। 2:50 बचे इस राउंड को खत्म होने में, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने वाले हैं। अरे क्या कर रही है। और गाइस हमने इसको एक और खतरनाक सिक्के के यहाँ पर मार दिए। इसको फटाफट से मारते हैं, बूम बूम बूम, और ये फिर से गिर गई। ये तो बार बार नीचे गिरती जा रही है। एक और केक, इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। तो क्या बोलते हो, खत्म कर दिया जाए इस राउंड को। जल्दी खड़ी हो दीदी, इसको फटाफट से मारते हैं, बूम 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 बूम। अरे फिर से बच गई तेरी तो। ये ले, इसकी हालत तो बस खराब हो चुकी है और ये गिर गई। इसको फटाफट से खत्म करते हैं, इसके मुंह पे मुक्के मार मार के। और गाइस नॉकआउट यहाँ पर हो चुका है और मैंने पहले ही राउंड में इसको फिनिश कर दिया। कितना ज्यादा खुश हो गया हूं मैं, हमने ये वाला राउंड भी जीत लिया। तो गाइस सारे के सारे मैचेस आज हमने जीते, रेसलिंग वाले भी जीते, फिर WWE वाले भी जीते, और ये UFC वाले भी हमने जीत लिए। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये खतरनाक सा UFC। आपको सबसे बढ़िया गेम कौन सा लगा मुझे ये कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये था हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। अगला गेम हम कौन सा खेले, $1 vs. $1 million वाला, फटाफट से कमेंट करके बता देना। और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।